तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले ब्रू क्रॉस लैबोरेटरी लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाली SRD कैप्सूल के बारे में। इसमें डोम्प्राडोन 30 mg और इस्माप्रोजॉल 40 mg कंटेंट है और ये 15 गोली का पत्ता आता है। इसकी मार्केट प्राइस 71 रुपए है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। सबसे पहले जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। SRD कैप्सूल का इस्तेमाल रिफ्लेक्स डिसीज के इलाज में किया जाता है। गैसोफेगस रिफ्लेक्स डिसीज एक क्रोनिक दीर्घकालीन समस्या है जिसमें पेट में अधिक एसिड बनता है। SRD कैप्सूल पेट में बनने वाली एसिड की मात्रा को कम करता है और छाती में जलन, एसिड रिफ्लेक्स से संबंधी दर्द से राहत देता है। इसके प्रभावी होने के लिए इसको ठीक वैसे लेना चाहिए जैसे आपको बताया गया है। अब जानते हैं SRD कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवा से होने वाले ज्यादातर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती और रोजाना इसका सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते या लक्षण बिगड़ने लगते तो अपने डॉक्टर से सलाह ले। SRD के सामान्य साइड इफेक्ट जैसे डायरिया, दस्त, पेट फूलना, गैस बनना, पेट में दर्द, मुंह में सूखापन, सिर दर्द जैसे लक्षण शामिल है। आप जानते हैं SRD कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की डोज और डोज की टाइमिंग के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। इससे साबुत निकले, इसे ना ही चबाए, कुचले और तोड़े। SRD कैप्सूल को खाली पेट लेना बेहतर होता है। आप जानते हैं SRD कैप्सूल किस प्रकार काम करता है। SRD कैप्सूल दो दवाओं का मिश्रण है जिसमें डोम्प्राडोन और इस्माप्रोजॉल से मिलकर बना है। डोम्प्राडोन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट के आंतों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से पर काम करता है जिससे भोजन आसानी से पेट में आगे की प्रक्रिया के लिए चला जाता है। इस्माप्रोजॉल एक प्रोटीन पंप इनहिबिटर है जो पेट में एसिड की मात्रा कम करता है और एसिड से संबंधी अपचन और हार्टबर्न से राहत देता है। इसे यूज करने के लिए कुछ खास टिप्स। एसिडिटी और हार्टबर्न के इलाज के लिए SRD कैप्सूल लेने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से सुबह के समय खाने के 1 घंटे पहले ले। ये असंवेदनशील और लंबे समय के लिए राहत प्रदान करती है। अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि आपको पानी जैसा दस्त, बुखार या पेट में दर्द होता है जो दूर नहीं होता है। 14 दिनों तक लेने के बाद भी अगर आपको बेहतर महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आप किसी और समस्या से पीड़ित हो रहे हैं तो ध्यान देने की जरूरत है। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से हड्डियों में कमजोरी होने और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की कमी का कारण बन सकता है। डॉक्टर ने जितनी कैल्शियम और मैग्नीशियम या उसके सप्लीमेंट लेने की सलाह दी गई उसका पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।